क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हमने काम में ले थी। हमने बैंडविड्थ देखा था, हमने रेजोनेंट पीक देखा था, ठीक है। इसके बाद में हमने कट ऑफ रेट देखा, कट ऑफ रेट के बाद में गेन मार्जिन देखा, फेज मार्जिन देखा, ठीक है। क्वेश्चन गेन मार्जिन फेज मार्जिन से पूछा जाता है कि किस तरह से हम गेन मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम फेज मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्वेश्चन लेके कैलकुलेट करते हैं कि गेन मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, हमें कौन कौन सी टर्म निकालनी पड़ेंगी गेन मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो एक हम जनरल क्वेश्चन लेते हैं। जनरल क्वेश्चन क्या है, के अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। एक को ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, के अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। यहाँ आउटकम है हमारे पास सी ऑफ एस, ये इनपुट था आर ऑफ एस, और यहाँ हम ये हो गया नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, राइट। तो इसने पूछा है इस सिस्टम के लिए गेन मार्जिन फेज मार्जिन क्या होगा। तो अब देखिए हम इसका गेन मार्जिन फेज मार्जिन करता हूं। इस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आरएच क्राइटेरिया से सॉल्व करके देखते हैं कि गेन की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए कि सिस्टम स्टेबल रहे। अभी हम गेन मार्जिन फेज मार्जिन को डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को हमारा जो आरएच क्राइटेरिया था जो कि हमने पहले पढ़ चुके, उससे लिंक करके देखते हैं हम किस तरह से ये जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है और आरएच क्राइटेरिया एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो हमें क्वेश्चंस करने में इजी टास्क हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इसके लिए स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा। गेन की वैल्यू हम कितनी रखें कि सिस्टम स्टेबल हो, गेन कितना ज्यादा बढ़ा दें कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाए, और गेन की वैल्यू कितनी रखी जाए कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाए। बात आ रही है समझ में? तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आरएच क्राइटेरिया में हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए होती है। तो क्लोज्ड लूप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका जी ऑफ एस, ये हो गया के अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। ए और बी बोथ आर ग्रेटर देन जी डिटरमाइंड है, पहले से दिया हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है क्या होता है, जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। चूंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो एच ऑफ एस हो गया वन, तो ये आ जाएगा g ऑफ s अपॉन वन प्लस g ऑफ s। बात आ रही है समझ में? तो यहां से यदि हम इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से देखें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसको हम जीरो कर देते हैं, तो वहां से हमें आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज वन प्लस g ऑफ s इज इक्वल टू जीरो, प्लस g ऑफ s की वैल्यू हो गई k अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके, ये आ जाएगा एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये आ जाएगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए इंटू बी प्लस के इज इक्वल टू जीरो, और ये आ जाएगा एस क्यू प्लस ए प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एस प्लस के इज इक्वल टू जीरो। ये हो गई हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बात आ रही है समझ में? अब हम यहाँ से आरएच क्राइटेरिया से देखते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल कब होगा। इसके लिए हम दो कंडीशंस पढ़ते हैं, तो नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशियंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या बोलती है, नेसेसरी कंडीशन कहती है कि भाई जो सारे के सारे कोफिशियंट हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव है, एस स्क्वायर का कोफिशियंट उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ए और बी पॉजिटिव हैं, दैट मींस ए प्लस बी भी
पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद एस का कोफिशियंट ए इंटू बी, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है तो ए इंटू बी भी पॉजिटिव रहेगा। के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। बात आ रही समझ में? दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या है, कोई भी कोफिशियंट मिस नहीं होना चाहिए। एस क्यूब भी प्रेजेंट है, एस स्क्वायर भी है, एस की पावर वन भी है और के भी है, तो के शुड नॉट इक्वल टू जीरो। के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों? यदि के जीरो हो जाता है तो ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये यहां से चला जाएगा, और ये यदि चला जाएगा तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी। बात आ रही समझ में? अब हम दूसरी सफिशियंट, इसके लिए सफिशियंट कंडीशन क्या होगी, स्टेबल। या देखिए थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, इस थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए हमने कंडीशन निकाली थी। क्या कंडीशन थी? कि जो b into c है that should be greater than a into d। b क्या होता था? s square का coefficient। c क्या होता था? s का coefficient। a क्या होता था? s cube का coefficient। और d होता था constant term। ये कंडीशन सेटिस्फाई यदि होगी तो हम बोलेंगे कि सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल सिस्टम रहेगा। और यदि सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा तो उसके जो रूट होंगे वो कहां लाई करेंगे, LHP के अंदर लाई करेंगे। तो अब हम यहां से कंडीशन निकालते हैं, b into c greater than a into d। b हो गया s square का coefficient, that is a plus b into c हो गया s की power 1 का coefficient, that is a into b, that should be greater than a। a हो गया s cube का coefficient, that is 1 into d, d हो गया constant term, that is k। it means जो k है उसकी value a plus b इंटू ए बी से यदि कम होगी तो हम बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, स्टेबल सिस्टम रहेगा। और यदि ये सिस्टम स्टेबल है तो उसके जो रूट रहेंगे वो कहाँ लाई करेंगे, एल एच पी के अंदर लाई करेंगे। चूंकि एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, इस थर्ड ऑर्डर सिस्टम के कितने रूट रहेंगे, तीन रूट रहेंगे, और जो तीनों रूट है वो कहाँ लाई करेंगे, थ्री रूट इन एल एच पी। तीनों के तीनों जो रूट है वो कहाँ हो जाएंगे, एल एच पी के अंदर। बात आई समझ में? अभी हम रूट आरएच क्राइटेरिया से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, गेन मार्जिन फेज मार्जिन अभी हम इसके बाद में देखेंगे, राइट। तो ये आ गया थ्री रूट्स इन एलएचपी। दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज कीजिए के की वैल्यू ग्रेटर देन ए प्लस बी इनटू एबी हो जाती है। मान लीजिए के की जो वैल्यू है अब सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल सिस्टम। और यदि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है इसका मीनिंग क्या होगा कि जो रूट है वो कहां लाई कर रहे हैं, आरएचपी के अंदर लाई कर रहे हैं। अब बात आती है कितने रूट आरएचपी के अंदर लाई कर रहे हैं। तो हमने आरएच क्राइटेरिया में देखा था कि जो थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, यदि थर्ड ऑर्डर सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है तो उसमें दो रूट कहां लाई करते हैं, आरएचपी के अंदर लाई करते हैं। बाकी बचे हुए जो एक रूट है वो कहां लाई करेगा, LHP के अंदर लाई करेगा। वन रूट LHP हो जाएगा। बात आई समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? थर्ड कंडीशन और होती है, एक थर्ड कंडीशन क्या थी कि मान लीजिए के जो है उसकी वैल्यू a प्लस बी इंटू ए बी के बराबर हो जाती है। यदि k की वैल्यू a प्लस बी इंटू ए बी के बराबर हो जाती है तो हम बोलेंगे कि जो सिस्टम है अब वो क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, यदि अब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो हमें पता है इसके जो रूट रहेंगे वो कहां लाई करेंगे, j ओमेगा एक्सिस पर। और जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो वो ऑसिलेट भी करता रहेगा, क्योंकि जब रूट कहां है, जे ओमेगा एक्सिस पर, तो ये हो गया ऑसिलेटरी सिस्टम। तो इसके लिए हमें पता है जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा तो जो इसके रूट रहेंगे या सिस्टम जो रहेगा वो ऑसिलेट करता रहेगा। इस ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है वो हमें पता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, उसकी वैल्यू होती है रूट, ये आ जाती है वैल्यू रूट बी बाई डी और रूट सी बाई ए, यही रहती है।
जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा तब सिस्टम ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी रूट बी बाई डी और रूट सी बाई ए। तो यदि मैं यहां से रूट सी बाई ए को कैलकुलेट करूं, डी देखिए कॉन्स्टेंट टर्म है, वो चेंज हो सकती है उसकी वैल्यू की, पैरामीटर के चेंज हो सकता है, तो हम क्या करते हैं रूट सी बाई ए से इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि इसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो कितनी आती है। सी हो गया ए इंटू बी और ए हो गया वन के बराबर, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए इंटू बी अपॉन वन, दैट इज रूट ए बी। बात आई समझ में? मतलब क्या हुआ, इस समय जब k की वैल्यू a प्लस बी इंटू ए बी के बराबर थी तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो गया, और यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो गया तो मतलब क्या हुआ, ये जो सिस्टम है वो ऑसिलेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी रूट ए इंटू बी, रेडियन पर सेकेंड, इस फ्रीक्वेंसी से ये जो सिस्टम है वो ऑसिलेट कर रहा है। अब बात आती है कि भाई सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, दैट मींस जो रूट है वो कहां लाई कर रहे हैं, जे ओमेगा एक्सिस पर। यदि ये सिस्टम के जो रूट है वो जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो इन रूट की लोकेशन क्या होगी, रूट की लोकेशन क्या होती है, जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या हो जाती है इनकी रूट की लोकेशन। ये हमने देखा था आरएच क्राइटेरिया में, इनकी जो रूट लोकेशन आती है वो क्या होती है, जो इसकी डैम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी आती है वही हो जाती है रूट ए इंटू बी, ये हो जाएगी इसकी रूट ए इंटू बी जे, जे ओमेगा एक्सिस पर है, जे रूट ए इंटू बी, और ये हो जाएगा माइनस जे रूट ए इंटू। बात आई समझ में? तो इस समय जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी रूट ए इंटू बी, और जो इस सिस्टम के पोल होंगे वो जो रूट होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, जे ओमेगा एक्सिस पर, और इनकी वैल्यू हो जाएगी जे रूट ए इंटू बी। बात आई समझ में? ठीक है, ये तो डिस्कशन हो गया फ्रॉम द आरएच क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं इस सिस्टम को, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सिस्टम भी हम पढ़ चुके हैं क्या सिस्टम था। अब हम पढ़ते हैं इसका गेन मार्जिन किस तरह से निकालें। गेन मार्जिन अब हम निकालते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस है अब हम उसका डिटेल डिस्कशन करते हैं। गेन मार्जिन के लिए हमें पता है जी ऑफ एस जो आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है दैट इज के अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, ये आपको जी ऑफ एस दिया हुआ है। इसने पूछा है इस सिस्टम के लिए गेन मार्जिन की वैल्यू क्या रहेगी, मैं किस तरह से गेन मार्जिन इसका कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, गेन मार्जिन के लिए हमें पता है कि जो गेन मार्जिन होता है वो होता है उसका फॉर, कल हमने गेन मार्जिन देखा था वन अपॉन जी ऑफ जे ओमेगा इनटू एच ऑफ जे ओमेगा, कब, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रहे, गेन मार्जिन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी, दैट इज कॉल्ड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन मार्जिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो गेन मार्जिन की जो वैल्यू होती है दैट इज वन अपॉन जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, कब, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस फ्रीक्वेंसी पर लेना है, ओमेगा पीसी पर। अब जो ओमेगा पीसी है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर देते हैं, बात आती है ये भाई हमें मैग्नीट्यूड निकालना है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ओमेगा पीसी होनी चाहिए। ओमेगा पीसी फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते थे कि ये जो जी ऑफ एस है, जी ऑफ जे ओमेगा, यदि मैं यहां एस की जगह जे ओमेगा पुट कर दूं, जी ऑफ जे ओमेगा का जो एंगल है That is equal to minus 180 degree. जब इसका एंगल माइनस 180 के बराबर कर दें तो जिस फ्रीक्वेंसी पर यह एंगल माइनस 180 होगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी आपकी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। बात आ रही है समझ में? हमें क्या करना है, इस सिस्टम का गेन निकालना है। गेन किस फ्रीक्वेंसी पर निकालना है, ओमेगा पीसी पर। ओमेगा पीसी फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि ये जो एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा है इस एंगल को यदि मैं माइनस 180 के बराबर कर देता हूँ तो वहां से हमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी, और यदि फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पता लग गई तो अब हम यहाँ से गेन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है इसमें हम करते हैं पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, हम इस इक्वेशन में जे ओमेगा को पुट करते हैं तो यह आ जाएगा जी ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा प्लस ए इंटू जे ओमेगा प्लस बी।
बात आ रही है समझ में कि हमने क्या किया, सबसे पहले s इज इक्वल टू j ओमेगा पुट किया, और जब ये पुट किया तो हमारे पास ये आया। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के बाद मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और यहां से मुझे गेन मार्जिन कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो ये g ऑफ s है, सॉरी इसको हम g ऑफ j ओमेगा कर देते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसका एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने इमेजिनरी टर्म्स के लिए एंगल देखा था, इमेजिनरी टर्म्स के लिए हम एंगल कितना कैसे निकालते थे, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो यहां से अब मैं इसका एंगल यदि कैलकुलेट करूं, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा, ये अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और यदि इस एंगल को मैं -180 के बराबर कर दूं तो हमारे पास फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब हम सबसे पहले इस एंगल को निकालते हैं कि इसका एंगल कितना होगा। देखिए ये एक कांस्टेंट टर्म है, राइट, इसके लिए इसमें क्या कोई इमेजिनरी पार्ट ऐड है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इसके लिए यदि मैं एंगल निकालूं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, जीरो अपॉन रियल पार्ट के, टेन इनवर्स जीरो अपॉन के, राइट। ये इसके लिए एंगल हो गया k के लिए। अब हम बाकी जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसके लिए एंगल निकालते हैं, इस डिनोमिनेटर पार्ट को मैं अपवर्ड में एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस, हम हर एक टर्म के लिए अलग अलग एंगल कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स रियल इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इस सिस्टम जे ओमेगा के लिए इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, ओमेगा अपॉन रियल पार्ट कितना हो गया, जीरो। बात आई समझ में, ये जो जो कोई भी रियल पार्ट नहीं है, केवल इमेजिनरी पार्ट है, हमने एंगल कैलकुलेट किया। माइनस क्यों लगा रहे हैं, डिनोमिनेटर को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में नोट डाउन कर रहा हूं, इस वजह से माइनस साइन लगाया, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, रियल पार्ट नहीं था, जीरो माइनस। अब हम इसके लिए लिखते हैं टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, दैट इज ओमेगा अपॉन ए माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन बी। चारों टर्म्स के लिए कर लिया, इसके भी लिए एंगल लिया, इसके लिए भी एंगल निकाल लिया, इसके लिए भी एंगल, और इसके लिए भी एंगल। ये जो एंगल है एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा, इस एंगल को यदि मैं -180 के बराबर कर दूं तो यहां से फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने मुझे जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको -180 के बराबर, बात आ रही है समझ में। तो इस समय ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा वो क्या हो जाएगी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए टेन इनवर्स जीरो जीरो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन जीरो मीनिंग टेन इनवर्स इंफिनिटी, टेन इनवर्स इंफिनिटी इज इक्वल टू पाई बाई टू और 90 माइनस, यहां से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन बी इज इक्वल टू -180 डिग्री। बात आई समझ में, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये -90 इधर गया, ये आ जाएगा माइनस साइन टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन प्लस टेन इनवर्स ए प्लस ए सॉरी टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी, दैट इज इक्वल टू -180, ये 90 इधर जाएगा, ये -90 बच जाएगा, राइट, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों हो गए कैंसिल। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, टेन इनवर्स जो ये है इसको हम यहाँ भेज देते हैं, ये हो जाता है 1090, ये बच जाएगा ओमेगा अपॉन ए
प्लस ओमेगा अपॉन बी अपॉन वन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू अपॉन ए इंटू वी दैट इज 1090. 1090 की वैल्यू कितनी हो गई, 1090 हो गया इन्फिनिटी. 1090 इन्फिनिटी हो जाएगा. यदि 1090 इन्फिनिटी हुआ इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पूरी जो टर्म है वो इन्फिनिटी कब होगी, ये टर्म इन्फिनिटी तब होगी जबकि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कितना हो जाए, जीरो. क्योंकि जो भी टर्म है, कोई भी एक टर्म है, डिवाइड बाय जीरो यदि मैं करूं वहां से मुझे इन्फिनिटी मिलेगा. इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि इफ वन माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए बी ये कितना हो जाएगा जीरो, तो मुझे ये इन्फिनिटी प्राप्त होगा. इसको हम लिख लेते हैं देन राइट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू जीरो. यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी और ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर ए इंटू बी. तो अब मुझे पता लगा कि जो ओमेगा है उसकी वैल्यू कितनी आई है, रूट ए इंटू बी. ये ही जो ओमेगा है ये कौन सी फ्रिक्वेंसी हो गई, ओमेगा पी सी दैट इज इक्वल टू ओमेगा PC. तो हमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पता लग गई रूट ए इंटू बी. बात आई समझ में. हम गेन मार्जिन निकाल रहे थे, गेन मार्जिन के लिए हमें सबसे पहले फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पता करनी थी. फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली रूट ए इंटू बी. अब हम क्या करें, गेन मार्जिन निकालें. गेन मार्जिन किस तरह से निकालेंगे, वन अपॉन मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा. चूंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है एच ऑफ जे ओमेगा जीरो वन हो जाएगा. तो अब मैं क्या करता हूँ, मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा निकालता हूँ. कब, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ओमेगा पी सी. तो अब हम क्या कर रहे हैं, जी ऑफ जे ओमेगा मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा. ये कब निकालना है मुझे, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी पर राइट. जी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड देखिए, जी ऑफ जे ओमेगा क्या था, ये जी ऑफ जे ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालें. मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका तो मैग्नीट्यूड एज इट इज किया जाएगा. ये जे ऑफ जे ओमेगा, देखिए इमेजिनरी यदि कोई कॉम्प्लेक्स यदि कोई क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते थे, रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. यदि मैं इस क्वांटिटी का जे ऑफ जे ओमेगा का यदि हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या कोई रियल पार्ट है, कोई रियल पार्ट नहीं है. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया के का, तो हो गया के अपॉन रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. या यहाँ कोई भी रियल पार्ट नहीं है, केवल इमेजिनरी टर्म है. इमेजिनरी टर्म क्या है, ओमेगा. तो ये हो जाएगा रियल पार्ट स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर. बात आई समझ में, ठीक है. नेक्स्ट जो टर्म है उसका अब हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. नेक्स्ट टर्म थी जे ओमेगा प्लस ए. जे ओमेगा प्लस ए का क्या हो जाएगा, रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली जो थर्ड टर्म है उसका हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ये आ जाएगा इस मॉड ऑफ जी ओमेगा की वैल्यू. ये वैल्यू कब निकालनी है, जबकि जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, ओमेगा पी सी. बात आ रही है समझ में, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी दैट इज इक्वल टू वॉट. ओमेगा पी सी किसके बराबर हो गया, रूट ए बी के बराबर. बात आ रही है समझ में. इसको अब हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा के अपॉन, इसकी वैल्यू हो गई ओमेगा इनटू रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, ओमेगा की जगह पुट कर देते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा के अपॉन रूट ए बी इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ए इंटू बी प्लस ए स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. हमने क्या किया, ओमेगा की जगह रूट ओवर ए बी पुट कर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया रूट ए, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू बी और ओमेगा हो गया रूट ए बी. इसको हम अपॉन रूट ए बी, यहां से मैंने रूट ए कॉमन ले लिया रूट ए, यहां बच जाएगा रूट बी प्लस ए
इनटू, यहां से हमने रूट बी कॉमन लिया, यहां बच जाएगा रूट ए प्लस बी। बात आ रही समझ में? राइट, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, के अपॉन रूट ए इंटू बी इंटू रूट ए इंटू बी, ये हो जाएगा ए इंटू बी। रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा के अपॉन ए प्लस बी इंटू ए बराबर। ये किसकी वैल्यू आई? मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए गेन मार्जिन। गेन मार्जिन के लिए हमें क्या करना है? वन अपॉन मॉड। ये किसकी वैल्यू आई? मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए गेन मार्जिन। गेन मार्जिन के लिए हमें क्या करना है? वन अपॉन मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा। तो मतलब यदि हम इसका इनवर्स ले लें, वन अपॉन जी ऑफ जे ओमेगा कर दें, तो क्या हमें गेन मार्जिन पता लग जाएगा? तो यहां से हमारे पास गेन मार्जिन आया वन अपॉन मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। जी ऑफ जे ओमेगा आया ये, इसका वन अपॉन कर देते हैं हम, तो ये बच जाएगा ए प्लस बी इंटू ए बी अपॉन। बात आई समझ में? तो ये हो गया इस सिस्टम के लिए गेन मार्जिन। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक अभी हमने क्या निकाला है? इस सिस्टम का गेन मार्जिन। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गेन मार्जिन क्या होगा, हमने इसका गेन मार्जिन कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहां कुछ कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं? सबसे पहली कंडीशन मान लीजिए, इफ, पहली चीज, यदि ये जो के है गेन, इस गेन की वैल्यू इस ए प्लस बी इंटू ए बी से कम हो जाती है, यदि इस गेन की वैल्यू, के की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए बी से कम हो जाती है, तो यहां हमें जो गेन मार्जिन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन मिल जाएगी। और यदि गेन मार्जिन की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो गई, अभी हम डेसीबल की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, अभी हम केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। गेन मार्जिन की वैल्यू यदि वन से ज्यादा हो जाती है, तो अब क्या हो जाएगा? सिस्टम स्टेबल सिस्टम। और यदि सिस्टम स्टेबल सिस्टम है, तो रूट कहां रहेंगे? रूट रहेंगे एलएचपी के अंदर, राइट। नाउ इफ, यदि गेन जो है के, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ए प्लस बी इंटू ए बी हो जाती है, इसकी वैल्यू इस टर्म से ज्यादा हो जाती है, यदि ये ज्यादा हो जाती है, तो गेन मार्जिन जो है वो मुझे लेस देन वन मिलेगा। ये मिला मुझे गेन मार्जिन लेस देन वन। गेन मार्जिन यदि लेस देन वन मिला, दैट मींस दैट सिस्टम इज बिकमिंग अनस्टेबल सिस्टम। और यदि ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है, तो इस सिस्टम के जो दो रूट है वो कहां रहेंगे? और एक रूट रहेगा एलएचपी के अंदर। बात आई समझ में? तीसरी कंडीशन आती है, मान लीजिए गेन जो है के, उसकी वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए बी के बराबर हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि जो गेन मार्जिन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन के बराबर हो जाएगी। और यदि गेन मार्जिन वन के बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे कि अब जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। इस समय सिस्टम हो गया मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, इसका मीनिंग क्या हुआ? जो रूट होंगे वो कहां लाई करेंगे? जे ओमेगा एक्सिस पर। तो हमें तीन कंडीशन मिली, के इज लेस देन ए प्लस बी इंटू ए बी, गेन मार्जिन की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो गई। यदि मैं इसको डीबी में कैलकुलेट करता हूं, यदि मैं इसको डेसिबल में कैलकुलेट करूं, गेन मार्जिन को यदि हम डेसिबल में कैलकुलेट करें, तो डेसिबल में कैलकुलेट करने पर हम क्या लेते हैं? इसका 20 लॉग ले लेते हैं, 20 लॉग ऑफ दिस, 20 लॉग ग्रेटर देन 1 का यदि हम 20 लॉग लें, तो हमें गेन मार्जिन जो है वो मिलेगा, गेन मार्जिन की जो डेसिबल में वैल्यू आएगी वो मिलेगी ग्रेटर देन 0 डीबी, ग्रेटर देन 0 डीबी। बात आई समझ? तो या तो जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से ज्यादा हो, या फिर डेसिबल में जो वैल्यू है वो 0 डीबी से
ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है, और यदि सिस्टम स्टेबल सिस्टम है तो रूट LHP के अंदर लाई करेंगे। यदि गेन मार्जिन लेस देन वन हो जाता है, यदि गेन मार्जिन लेस देन वन हुआ तो डीबी में वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 20 लॉग लेस देन वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो 20 लॉग जो गेन मार्जिन रहेगा वो लेस देन जीरो। बात आई समझ में? और यदि गेन मार्जिन की वैल्यू वन हो जाती है, गेन मार्जिन यदि वन हो गया मैग्नीट्यूड, तो डेसिबल में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो गेन मार्जिन आ जाएगा जीरो डीबी। मतलब यदि गेन मार्जिन मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करें, ग्रेटर देन वन है स्टेबल सिस्टम, लेस देन वन अनस्टेबल सिस्टम, गेन मार्जिन वन मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, गेन मार्जिन यदि हम डेसिबल की बात करें, ग्रेटर देन जीरो डीबी स्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम लेस देन जीरो डीबी अनस्टेबल सिस्टम, और यदि इक्वल टू जीरो डीबी आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो इसके जो रूट हैं वो कहां लाई करेंगे, जे ओमेगा एक्सिस पर। अब बात आती है कि भाई ये जो जे ओमेगा एक्सिस है उस पर इनकी रूट की लोकेशन क्या रहेगी। तो अब देखिए, ये तो हमने गेन मार्जिन कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास गेन मार्जिन आया, राइट। अब हमारा ये जो गेन मार्जिन है, एक चीज और करते हैं हम, ये जो ए प्लस बी इंटू ए बी है इसको हम एक टर्म बोल देते हैं क्रिटिकल गेन, ठीक है, कि किस सिस्टम पे, क्योंकि यही से हमारा ये डिसाइड हो रहा है कि गेन मार्जिन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो इसको हमने बोल दिया क्रिटिकल गेन, दैट इज इक्वल टू, क्रिटिकल गेन को हम बोल देते हैं ए प्लस बी इंटू ए बी। बात आ रही है समझ में? इसको हमने क्रिटिकल गेन बोल दिया। अब देखिए इस सिस्टम को हम थोड़ा समराइज करें, समराइज कर इस तरह से करें, हमने जो RH क्राइटेरिया से कंडीशंस निकाली थी और यहां से गेन मार्जिन से जो कंडीशन निकाली है, इन दोनों को हम कंबाइन करके देखते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो वास्तव में हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड मिलते हैं। किस तरह से ये लिंक्ड है वो देखो, पहली चीज के वैल्यू लेस देन ए प्लस बी इंटू ए बी के बराबर हुई, तो हमने क्या बोला सिस्टम क्या था, स्टेबल सिस्टम। ये तो था RH क्राइटेरिया से। यदि मैं गेन मार्जिन से देखूं, गेन मार्जिन से हम देखें तो k लेस देन a प्लस बी इंटू ए बी, यहां से भी सिस्टम क्या आया है, स्टेबल सिस्टम। बात आ रही समझ में? दूसरी कंडीशन की यदि हम बात करें, k की जो वैल्यू है यदि ग्रेटर देन a प्लस बी इंटू ए बी हो गई तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम। तो यहां से भी हम कैलकुलेट करते हैं गेन मार्जिन से कि यदि k की वैल्यू ग्रेटर देन a प्लस बी इंटू ए बी हो गई तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम, राइट। तीसरी कंडीशन क्या थी कि गेन जो है उसकी वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए बी के बराबर हो गई तो सिस्टम क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। और यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो इसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी है, ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी वो कितनी हो गई, रूट ए बी, और इसके जो पोल लोकेशन है वो क्या हो गई, वो क्या हो गया, जे रूट ए बी और माइनस जे रूट ए बी। यहां से भी अब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमने देखा कि यदि के की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए बी के बराबर है तो सिस्टम क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। यहां देखिए एक चीज और निकाली हमने, हमने यहां से निकाला ओमेगा पी सी, ओमेगा पी सी की वैल्यू क्या आई है, रूट ए बी। मीनिंग क्या हुआ, यहां जो ओमेगा पी सी की वैल्यू होगी वही ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी हो जाएगी इस सिस्टम के लिए। तो यदि या तो मैं ओमेगा पी से निकालूं या फिर हम RH क्राइटेरिया से ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी निकाल लें, दोनों की बात एक ही है, दोनों वैल्यूज एक ही प्राप्त होती है। मतलब जब रूट जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे होंगे, जब रूट जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे थे, इनकी रूट की लोकेशन क्या थी, रूट ए बी, और ये था माइनस जे रूट ए बी। हमसे यदि पूछा जाए कि इस सिस्टम के लिए ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी या फिर फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमें पता है जिन पॉइंट्स पर ये सिस्टम इस जे ओमेगा एक्सिस को कट करेगा वही कहलाती है ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो रूट ए बी है वो हो जाएगी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। और यदि उसने पूछा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमें पता है जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वही फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब ये जो वैल्यू है रूट ए बी, यही क्या हो जाएगी, इसकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। कई बार क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे,
आपको रूट लोकस बना देंगे और वहां से कट करवा के बता देंगे कि इस पॉइंट पर ये जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहा है, तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा होगा वही हो जाएगी इसकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और वहां से यदि हमसे कि फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पता लग गई तो वहां से गेन मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेन मार्जिन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बात आई समझ में? तो यदि हम दोनों को देखें तो दोनों में हमने बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखी। यदि हम आरएच क्राइटेरिया निकाल लेते, देखिए ये कंडीशन हमें कहां से पता लगी, ये कंडीशन हमें गेन मार्जिन से पता लगी और सेम कंडीशन हमें आरएच क्राइटेरिया से पता लगी। तो यदि मैं इस आरएच क्राइटेरिया से इस कंडीशन को निकाल लूं, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए बी, और हमें यदि सिस्टम का गेन दिया हुआ है तो क्या डायरेक्टली हम गेन मार्जिन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू मुझे कहां से पता लग जाएगी? बाय यूजिंग आरएच क्राइटेरिया। क्यों? आरएच क्राइटेरिया में क्या होता है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए केवल एक कंडीशन होती है बीसी ग्रेटर देन एडी, और फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए हमें दो कंडीशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। जबकि यहां हमें क्या करना होगा, हमें पहले फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, उसके बाद में हमें एंगल मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तब जाके हम गेन मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे सिंपली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, हम क्या करेंगे सिंपली इस क्रिटिकल गेन की वैल्यू को, इसको हमने बोल दिया क्रिटिकल गेन। यदि ये क्रिटिकल गेन पता लग गया हमें और गेन सिस्टम का गेन जो है वो दिया हुआ है, तो हम यहां से डायरेक्ट बता सकते हैं कि सिस्टम का गेन मार्जिन कितना होगा। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम चाहे आरएच क्राइटेरिया से सिस्टम का आउटपुट निकालें, सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करें, या हम गेन मार्जिन फेज मार्जिन से सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करें, दोनों से हमें सेम कंडीशन कैलकुलेट होकर निकलती है। बात आई समझ? अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एस अपॉन के इंटू एस प्लस के अपॉन एस प्लस एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस। इस सिस्टम के लिए हमें रूट लोकस दिया गया है सिग्मा एक्सिस, दिस इज जी ओमेगा एक्सिस, राइट। रूट लोकस क्या है? सबसे पहली चीज, इस सिस्टम के लिए पोल लोकेशन क्या हो जाएंगे? पोल क्या हो जाएंगे? एक तो जीरो पर, एक माइनस वन पर और एक माइनस टू पर, राइट। मैं यहाँ से पोल लोकेशंस बना देता हूँ, ये जीरो माइनस वन माइनस टू, राइट। अब देखिए यदि मैं बात करूँ रूट लोकस की कि रूट लोकस कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो जीरो से माइनस वन के बीच में ये रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा और माइनस टू से यहाँ इन्फिनिटी की तरफ ये रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट जीरो से माइनस वन के बीच में यदि मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो उसके राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स और जीरो का जो सम है वो एक ऑर्डर नंबर है, तो यहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा और सिमिलरली यहाँ भी रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। अब की बात होती है कि ये जो जब हम गेन की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये जो रूट है वो दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे और ये रूट माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। एक पॉइंट जहां जाकर ये दोनों ब्रेकअप हो जाएंगे और एक 60 डिग्री पर चला जाएगा और एक 300 डिग्री पर चला जाएगा और तीसरा चला जाएगा 180 डिग्री पर। इसने क्या बोला कि यहां जाकर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट की जो लोकेशन है दैट इज जे रूट टू, इस पॉइंट की जो लोकेशन है दैट इज जे रूट टू, ठीक है। और हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई जी ऑफ एस दिया हुआ है, यदि मैं इस सिस्टम की बात करूँ के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, तो ये किस पॉइंट पर जाकर कट करेगा? हमें पता है कि जो ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो ओमेगा होता है वो होता है रूट ए इंटू बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ए वन, बी हो जाएगा टू, दैट इज रूट टू। तो हमें पता लग गया कि इसने कहां जाके कट किया, जे रूट टू पर, और ये पॉइंट हो गया माइनस जे रूट टू। क्या अब हम जब ये पॉइंट इसको कट कर रहा है रूट लोकस इस जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहा है, तो क्या हम इसके लिए गेन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि गेन कितना रहने वाला है, राइट। तो गेन की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? गेन के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट से हम जिस पॉइंट के लिए हमें गेन निकालना है उस पॉइंट की इन पोल से जो डिस्टेंस है, इन पोल से जो डिस्टेंस है उन सारे डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाई यदि कोई जीरो होता तो उन डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं, राइट। अब देखो ये है रूट टू, यहाँ केवल तीन ही पोल हैं, तो इस रूट टू की इस जीरो से डिस्टेंस हो जाएगी रूट टू,
राइट, इस रूट टू की इस वन से डिस्टेंस हो जाएगी, यदि मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो ये डिस्टेंस हो जाएगी रूट ओवर रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटू इस रूट की यहां से पॉइंट डिस्टेंस रूट ओवर रूट टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर राइट डिवाइड बाई, क्या यहां कोई जीरो अवेलेबल है? कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है, दैट इज वन राइट। तो यहां से रूट टू इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट टू प्लस दिस इज रूट थ्री और यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट सिक्स अपॉन वन दैट इज इक्वल टू सिक्स। बात आई समझ में? ये इनकी वैल्यू आई सिक्स, जबकि ये क्या कर रहा है, पॉइंट जो है वो जो जे रूट टू है वो इस ओमेगा एक्सिस को कट कर रहा है। इसकी वैल्यू हम कहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, चूंकि थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए हमें पता है। देखिए ये जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहा है, दैट मीन सिस्टम क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो हमें पता है कंडीशन क्या होती है, कि इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए बी। तो यहां से भी यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वन प्लस टू ए प्लस ए और बी की वैल्यू हमें पता है, दैट इज वन प्लस ए वन प्लस टू इंटू वन इंटू टू दैट इज इक्वल टू सिक्स। तो यहां से भी यही वैल्यू कैलकुलेट होती है सिक्स राइट। अब इसने हमसे पूछा है कि सिस्टम के लिए गेन मार्जिन इफ के इज इक्वल टू थ्री, यदि के थ्री के बराबर है तो गेन मार्जिन कितना होगा। गेन मार्जिन अभी हमने निकाला कि यदि हम क्रिटिकल गेन निकाल लें, ठीक है, और एक्चुअल गेन यदि हमें पता है तो हम सिस्टम का गेन मार्जिन निकाल सकते हैं, क्रिटिकल गेन अपॉन गेन दैट इज क्रिटिकल गेन कितना आया है सिक्स अपॉन थ्री दैट इज टू, ये आया है गेन मार्जिन। और यदि हमें डेसीबल में वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको ट्वेंटी लॉग ले लेते हैं, ट्वेंटी लॉग सिक्स दैट इज सॉरी दिस इज टू आ जाएगा 6d के अराउंड। बात आ रही है समझ में? तो इस सिस्टम के लिए गेन कितना हो गया 6db। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और गेन मार्जिन पूछ लेगा कि गेन मार्जिन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हम आपको एक रूट लोकस दिया गया है, सिग्मा एक्सिस दिस इज ओमेगा एक्सिस, यहां हमें चार पोल लोकेशंस दी हुई हैं, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो। रूट लोकस किस किस के बीच एग्जिस्ट करेगा, यहां रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा और यहां रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों रूट यहाँ जाएंगे, एक दूसरे को कट करेंगे इसके यहाँ कहीं पॉइंट पर, इसी तरह से ये दोनों रूट एक दूसरे की तरफ जाएंगे और यहाँ किसी पॉइंट को कट करेंगे। इसके बाद में चूंकि यहाँ कोई भी जीरो नहीं है तो ये सिस्टम के जो पोल है वो कहाँ चले जाएंगे, इन्फिनिटी पर। एक यहाँ इन्फिनिटी पर गया, एक यहाँ चला गया, एक इस तरह से यहाँ जाएगा और एक इस तरह से यहाँ चला गया। इसने बोला कि ये इस तरह से चले जाते, जब ये रूट इस जे ओमेगा एक्सिस को कट करते हैं तो इस पॉइंट की लोकेशन दे दी जे वन राइट, इस पॉइंट की लोकेशन दे दी जे वन। तो अब हमें ये बताना है, सबसे पहली चीज कि हमें ओमेगा पीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी राइट, कि ओमेगा पीसी क्या होगा। दूसरा हमें गेन मार्जिन कैलकुलेट करना है, कब, जबकि सिस्टम का जो गेन है के वो कितना हो टू। ठीक है, सिस्टम का गेन 2 है तब गेन मार्जिन की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, हमने देखा जब हमने थर्ड ऑर्डर सिस्टम को डिस्कस किया तो वहां से हमने देखा कि भाई जब ये जो रूट हैं वो इस ओमेगा एक्सिस को कट करेंगे तो जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो क्या कहलाती है, ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी या फेज क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी, दोनों को हमने सिमिलैरिटी देखी थी। तो क्या हम बता सकते हैं कि यहां से इस रूट लोकस को देखते हुए हम बता सकते हैं कि जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो रूट है वो जे ओमेगा एक्सिस को जे वन पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ओमेगा पीसी की वैल्यू कितनी हो गई, वन रेडियन पर सेकेंड। बात आ रही है समझ में, कि ये जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी वन रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये वन पर जाकर जे वन पर जाकर ये इस जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहे हैं। बात आई समझ में? ठीक है, अब हमें गेन मार्जिन निकालना है। गेन मार्जिन निकालने के लिए हमें पता है कि गेन मार्जिन की जो वैल्यू होती है दैट इज क्रिटिकल गेन अपॉन
एक्चुअल गेन, यदि हमें ये पता लग जाए तो हम गेन मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रिटिकल गेन क्या होता है? क्रिटिकल गेन वो गेन है कि जो सिस्टम है उसके रूट जे ओमेगा एक्सिस को कट करते हैं। मतलब इस पॉइंट पर जाकर हम गेन को कितना बढ़ाए होंगे कि जो रूट है वो क्या करे, जे ओमेगा एक्सिस को कट कर जाए, और जे ओमेगा एक्सिस को कट करके पॉइंट जे वन पर आ गए तो इस समय गेन कितना रहा होगा, और यही गेन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल गेन। तो अब मुझे इस क्रिटिकल गेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्रिटिकल गेन किस तरह से हम निकालते हैं, जिस पॉइंट के लिए हमें गेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमने आरएच क्राइटेरिया में देखा था कि जो भी पोल हैं उन सभी पोल से डिस्टेंस निकालिए और उन डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिवाइड में क्या करना है हमें, जितने भी पोल जीरोस दिए गए उन जीरो से डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए और उन सारी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां देखो क्या कोई जीरो दिया गया है इस सिस्टम में, इस सिस्टम में कोई भी जीरो नहीं है, तो इस जीरो से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो तो हो जाएगी वन, राइट। अब बात आती है ये जो जे वन पॉइंट है, यहां चार पोल है, इन चारों पोल से इनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इन डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सब पहले हम इस जीरो से इस जे वन की डिस्टेंस कैलकुलेट करें, दैट इज वन इंटू इस जे वन की इस माइनस वन पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी रूट, क्लियरली इस माइनस टू की यहां से डिस्टेंस हो जाएगी रूट इंटू फाइव। सिमिलरली इस जे वन की इस माइनस थ्री से यहां दोबारा से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये वैल्यू आ जाएगी रूट। तो यहां से बोल सकते हैं हम रूट टेन इंटू रूट टेन दैट इज इक्वल टू टेन। मीनिंग क्या हुआ कि जब हम सिस्टम के यहां पर पोल लोकेशन थी जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, जैसे रूट लोकस किस तरह से बनाते थे, हम गेन की वैल्यू को बढ़ाते थे फ्रॉम इंफिनिटी, हमने गेन की वैल्यू को धीरे 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 इंक्रीज किया। जब मैं इंक्रीज करता हुआ क्रिटिकल गेन के की वैल्यू को यदि मैं टेन के बराबर कर दूं, तो हमें पता लगा कि ये जो सिस्टम के रूट है वो इस जे ओमेगा एक्सिस को कट कर जाते हैं, जिस पॉइंट पर कट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी या फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता लगा कि क्रिटिकल गेन कितना हो गया 10। इस गेन से यदि मैं ज्यादा बढ़ा दूं इस के की वैल्यू को, यदि मैं और ज्यादा के की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूं, तो सिस्टम के जो रूट है वो कहां लाई करने स्टार्ट कर देंगे, RHP के अंदर, दो रूट RHP के अंदर चले जाएंगे। तो KC जो हो गया वो हो गया मार्जिनली स्टेबल जब होगा सिस्टम उसके लिए गेन, राइट। तो इसकी वैल्यू आई KC इज इक्वल टू 10। तो क्या अब हम गेन मार्जिन निकाल सकते हैं, यहां से हमने गेन मार्जिन बोला, गेन मार्जिन आ जाएगा KC 10 अपॉन K की वैल्यू उसने दी हुई है 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू 5। यदि हम डेसिबल में बात करें, डेसिबल में क्या हो जाएगा ये गेन मार्जिन, हम क्या करते हैं इसका 20 log ले लेते हैं, 20 log 5 दैट इज इक्वल टू 14 डिग्री। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम गेन मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि आपको रूट लोकस दिया गया है, रूट लोकस से हमें डायरेक्ट ओमेगा पीसी की और ओमेगा की वैल्यू पता लग जाएगी, फिर उसके लिए हम मार्जिनल स्टेबल, क्योंकि ओमेगा पीसी पर क्या होगा, जो पॉइंट होंगे वो जो ओमेगा एक्सिस को कट करेंगे वहां हम केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और केसी की वैल्यू आते ही हम गेन मार्जिन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बात आ रही है समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है जी ऑफ एस इज इक्वल टू ए एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर। उसने क्या बोला है कि इस सिस्टम के लिए जो फेज मार्जिन है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो ए है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो फेज मार्जिन क्या होता है, फेज मार्जिन हमें पता है, फेज मार्जिन की वैल्यू होती है 180 प्लस पाई जी सी, यही होता है फेज मार्जिन। लास्ट क्लास में हमने देखा था फेज मार्जिन का फॉर्मूला होता है 180। यहां हमें फेज मार्जिन दिया गया है 45 डिग्री, तो क्या हम यहां से 5GC निकाल सकते हैं, 5GC हो गया 45 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू माइनस 135 डिग्री। बात आ रही है समझ में?
सबसे पहले हमने निकाल लिया 5GC क्या होता है. 5GC हो गया -135. देखिए 5GC लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 5GC क्या होता है. 5GC होता है एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, यही होता है 5GC. कब? जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर हो? ओमेगा जीसी के बराबर. तो यदि ओमेगा जीसी फ्रीक्वेंसी पर हम ये एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कहलाता है 5GC. अब बात आती है कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है 5GC ये किस तरह से कैलकुलेट होगी? क्यों? जब ये फ्रीक्वेंसी पता होगी तब जाके हम 5GC कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब 5GC कैलकुलेट होगा उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ओमेगा जीसी. ओमेगा जीसी हम किस तरह से निकालते हैं? ओमेगा जीसी निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो मैग्नीट्यूड है एंगल ऑफ जे सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, इसको हम क्या करें? इसको हम 1 के बराबर कर दें तो वहां से हमें ओमेगा जीसी की वैल्यू पता लग जाएगी. और जब हमें ओमेगा जीसी की वैल्यू पता लग गई तो अब हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, ये जो जी ऑफ एस दिया गया है यहां पुट करते हैं. सबसे पहले एस इज इक्वल टू जे ओमेगा. जब हमने यहां से एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट किया तो ये हो गया जी ऑफ जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू ए इंटू जे ओमेगा प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा होल स्क्वायर. बात आई समझ में? इसको मैंने लिखा a इंटू जे ऑफ जे ओमेगा प्लस 1 अपॉन, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा फॉर कन्वीनियंस. राइट, हमें क्या पता लगा? जी ऑफ जे ओमेगा पता लग गया. सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? ओमेगा जीसी. ओमेगा जीसी के लिए मुझे क्या करना है, ये जो मैग्नीट्यूड है उसको 1 के बराबर करना है. इस मैग्नीट्यूड को हम 1 के बराबर करें तो मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा ये क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सॉरी दिस इज ए इंटू जे, राइट, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. बात समझ में? हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया. ओमेगा जीसी हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है. ओमेगा जीसी किस तरह से फाइंड आउट करना था कि जो मैग्नीट्यूड है उसको 1 के बराबर करना है. ये जो मैग्नीट्यूड आया इसको हमने 1 के बराबर, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करते हैं, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, करनी है. अब हम क्या करते हैं, इसका एंगल निकालते हैं कि एंगल कितना होगा. एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, ये एंगल आ जाएगा यहां से. इसका यदि हम एंगल देखें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए ओमेगा अपॉन 1 माइनस इस वाली टर्म के लिए हम एंगल देखते हैं माइनस नाइनटी. हमें जी ऑफ जे ओमेगा पता था, इसका हमने एंगल कैलकुलेट किया यहां से. एंगल कितना हो गया? एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट माइनस डिनोमिनेटर के एंगल को लिखना था माइनस, इसका एंगल हो जाएगा जे ओमेगा है केवल 90 डिग्री, इसका भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री. ये आया हमारे पास एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा किस फ्रीक्वेंसी पर? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी पर. अब हमें पता है कि ये जो एंगल है वो किसके बराबर है? फाई जी सी के बराबर. ये एंगल हो गया फाई जी सी के बराबर. फाई जी सी किसके बराबर दिया गया है हमें? -135 दैट इज इक्वल टू -135. इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ए ओमेगा -180 -135. इसको हमने सॉल्व किया है, आ गया टेन इनवर्स ए ओमेगा इज इक्वल टू ये बन जाएगा 45 डिग्री, और ए ओमेगा इज इक्वल टू टेन 45 कितना हो गया 1 के बराबर. ठीक है, हमें यहां से ए ओमेगा पता लग गया कि ए ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 1. एक कंडीशन हमें यहां से पता लग गई कि रूट ओवर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है.
हमें दो इक्वेशन और दो वेरिएबल पता है, क्या हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए ओमेगा इसकी वैल्यू को यहां पुट करते हैं 1, और इस ए की ओमेगा की वैल्यू को हम लिखते हैं 1/a। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। बात आई समझ में? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 रूट ओवर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए इंटू ओमेगा की वैल्यू 1, तो इसका स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1 बाई ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। बात आई समझ में? इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2, और यहां से इसको सिंप्लीफाई किया, ए बराबर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2, और ए बराबर कितना आ जाएगा 1/√2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गई वैल्यू ए की, कि भाई ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। इस तरह से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली उसने क्या बोला कि फेज मार्जिन पता है, फेज मार्जिन पता है तो ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फेज मार्जिन की हमने इक्वेशन निकाली कि 180 प्लस 5gc होता है, यहां से हमने 5gc कैलकुलेट कर। दूसरे हमें पता है 5gc के लिए हम क्या चाहिए, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। 5gc हमने एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा होता है, किस फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा जीसी पर। तो हमने क्या किया, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकाली कि मैग्नीट्यूड को 1 के बराबर किया, ये मैग्नीट्यूड 1 के बराबर किया, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कहां से आई, 5gc हमने कैलकुलेट किया एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा, यहां इस एंगल को हमने किस -45 के बराबर कर दिया, एक इक्वेशन आ गई यहां से। दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, हमने इस वैल्यू को, ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और ए की वैल्यू आते ही हम ओमेगा की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बात आई समझ में? इस तरह से इन क्वेश्चंस को, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, हमने इस वैल्यू को, ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और ए की वैल्यू, आते ही हम ओमेगा की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बात आई समझ में? इस तरह से इन क्वेश्चंस को, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको जी ऑफ एस दिया गया है पाई इनटू ए की पावर माइनस 0.2 5। इसने बोला है कि गेन मार्जिन क्या होगा, हमें इसके लिए गेन मार्जिन की वैल्यू, गेन मार्जिन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, यहां पर पुट कर देते हैं s इज इक्वल टू एंगल है, उसको हम क्या करें माइनस 180 के बराबर कर देते हैं एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा को। तो यदि मैं गेन फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालूं, फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या किया, जो एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा था इसको हमने किसके बराबर कर दिया, माइनस 180 के बराबर। तो अब हमें यहां से फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। अब हम निकालते हैं इसका एंगल कितना होगा इस सिस्टम। देखिए पाई कांस्टेंट टर्म है, इसका एंगल कुछ नहीं निकाल पाएंगे हम, कांस्टेंट हो गया। e की पावर माइनस 0.25 इनटू j ओमेगा दिया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है, cos थीटा माइनस sin थीटा j sin, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया, माइनस थीटा, इसके लिए एंगल माइनस थीटा रहेगा। और तो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा 1, और इसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा माइनस थीटा। तो इस सिस्टम के लिए पाई इनटू दिस, इसके लिए यदि हम एंगल कैलकुलेट करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, की पावर जो इमेजिनरी टर्म है ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी इसका एंगल माइनस 0.25
इंटू टर्म है यहाँ पे, इसको कंपेयर कीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा माइनस 0.25 इंटू ओमेगा डिवाइड बाई जे ओमेगा, जे ओमेगा के लिए एंगल हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू माइनस 180। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 90 इधर गया प्लस 90, दैट इज माइनस 0.25 इंटू पाई बाई टू, तो ओमेगा कितना आ जाएगा यहां से पाई बाई टू इंटू 0.25। बात आ रही है समझ में? इस तरह से हम ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा 2 पाई। ये जो ओमेगा की वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, इसकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। के लिए हमने क्या किया, एंगल निकाला, एंगल माइनस 180 के बराबर किया। ये ध्यान रखना है इसको हमें रेडियन पर सेकंड में लेना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में, 90 डिग्री नहीं लिखना है इसको। तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट किया हमने, ये 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ये तो निकल के आ गई ओमेगा पीसी फेज क्रॉसओवर है। इसकी गेन को हम कैलकुलेट करते हैं जबकि फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये गेन बच गया पाई अपॉन, ये इमेजिनरी टर्म है केवल, इसका गेन हो जाएगा ओमेगा, और ये ओमेगा भी कौन सा, ओमेगा पीसी। बात आ रही है समझ में? क्योंकि हम किस फ्रीक्वेंसी पर निकाल रहे हैं, मोड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा है, ओमेगा पीसी की वैल्यू है 2 पाई, पाई अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमें पता लग गया कि जी ऑफ जे ओमेगा की जो वैल्यू है वो 1/2 बराबर आई। ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1/1/2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो गेन मार्जिन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2। यदि हम गेन मार्जिन निकालें डेसिबल में, यदि हम डेसिबल में बात करें तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, 20 लॉग ले लेते हैं हम इसका, 20 लॉग 2 दैट इज इक्वल टू 6 dB। तो इस सिस्टम के लिए जो गेन मार्जिन है वो कितना हो जाएगा 6 dB। करना क्या था हमें, बस कुछ नहीं, हमें सबसे पहले ओमेगा पी से निकालना था। ये चीज तो हम यहाँ याद रखनी थी कि हमें 90 डिग्री ना लेकर पाई बाई 2 लेना था। इसके बाद में हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया एट ओमेगा पी सी और उसका रेसिप्रोकल कर दिया, गेन मार्जिन आ गया। डेसिबल में निकालने के लिए हमने इसका 20 लॉग ले लिया। तो इस तरह से हम फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स के क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,